दोस्तों मैं गया था बाल कटवाने के लिए, एकदम चंपू बना के देखिए काट दिया, कट जैसे लग रहा कटोरा पे काट लगा करके काटा, देखिए पूरा किनारे ये देखो पूरा झाड़ी बना दिया है। क्या ये किया है, चार बाल आपके वैसे ही थे, वो भी दो निकाल को खत्म कर दिया। अरे देखो भाई कैसा बना है। अरे यार चिकलांडू काट दिया थोड़ा, अरे हम गए थे पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठ गए थे, नहीं नहीं पीपल पेड़ नीचे नहीं कुर्सी पर ही बैठे थे। अरे यार ऐसे कर दिया है, इधर से ऐसे उड़ा दिया और यहां से इतना। अरे यार चारों के सब कैसा, ये भगवान पता जैसे कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ऐसे पहले कटोरा रखा है फिर सारा साफ कर दिया। अरे बाप बकवास कर दिया यार, मतलब वो क्या सोच के काटा है, आपको कौन से नाई से कटवाए हैं। अरे हम तो गए थे वहाँ पे जो है बैठे थे कुर्सी पर ही, ईंट आप नहीं बैठ के कटवाए, लेकिन वो हमको तो लग रहा है आप ईंटे पे पीपल के पेड़ के नीचे चंदू नाई से तो नहीं कटवाए। हेलो गाइस मैं हूँ अविनाश और मैं प्रतिष्ठा और हेलो कर रही है पहले से। फिर से हेलो कर रही है दोस्तों अपने आप से, कुछ कहना भी नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और जैसा कि आप लोग मुझे देख रहे होंगे एक बिल्कुल नए आकार में और नए लुक में और एकदम कार्टून वाले लुक में, क्योंकि दोस्तों मैं गया था बाल बनवाने के लिए और वहाँ पे ये देखे दोस्तों बाल कैसा मेरा बना दिया, पूरा चंपू एकदम अजीब सा बना दिया है, कटोरा रख के चारों तरफ से काट दिया है। अब पता नहीं कटोरा रखा है कि थाली रखा है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ क्योंकि वहाँ दोस्तों ना जहाँ मैं कटवाता हूँ वहाँ पे दो आदमी है, एक है जो बना लेता है सही से, एक आदमी है जो सही नहीं बनाता, लेकिन जो सही बनाता है वो था नहीं इसलिए उसी से बनवाना पड़ गया और वो पूरा ये बिगाड़ दे, मेरे बाल का सेप ही पूरा अजीब कट कर दिया पूरा। देखिए आप लोग ये देखिए, इधर देखिए किनारे देखिए, पूरा एकदम अजीब सा कर दिया है। देखिए ये पीछे से देखिए आप लोग कैसा दिख रहा है, ये पूरा टकला कर दिया है। हाँ एकदम मुझे कबीला वाला बना दिया दोस्तों, ये देखिए ऐसे लग रहा है ना मैं कबीला वबीला से आया हूँ। कबीला क्या होता है? कबीला होता है जंगल में जो लोग रहते हैं। अब पता नहीं फिर मेरा बाल कैसे सही होगा। बहुत सुंदर बना दिया आपको। काला टीका मुझे लगा दो नहीं तो मुझे नजर लग जाएगी, क्योंकि ऐसा बाल काला टीका लेकिन कहीं भी लग सकता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कहीं भी लग सकता है। चंदा मामा बना दो, चंदा मामा इस साइड लगे और अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर इधर ही काटा है। मतलब वो क्या पीयू के तो नहीं बैठा था ना? नहीं पी के तो नहीं बैठा था लेकिन हाँ मसाला जरूर खा रहा था दोस्तों। नहीं मसाला खा रहा था दोस्तों वो, तो हो सकता है मसाला खाने में इतना नशा में आ गया हो कि मेरा पूरा डिजाइन ही जो है बदल दिया पूरा। दो निकाल रहा है, कैसा लग रहा है पता है, कैसा लग रहा है, ऐसे करेंगे यो यो यो। ईमानदारी से दो रुपया दिए थे, ये तो मुझे पूरे 50 रुपया तो पहले ले चलिए हमको, उससे हम 45 रुपया निकलवा लेंगे। रियली मतलब उसने 5 रुपए का बाल नहीं काटा है। अरे उसको बहुत समझाया कि बाबू मशीन से ना बनाना दोस्तों, ये देखिए मशीन से बनाने का नतीजा। ऐसी कोई बात नहीं मशीन से भी बहुत अच्छा बनाता, लेकिन अब पक्का नहीं, लेकिन उसका बूढ़ा था ना थोड़ा, तो उसका हाथ नहीं सही चल रहा। हाँ वहाँ भी मतलब कटवाए हैं लेकिन एक थोड़ा अच्छा बनाता है और एक थोड़ा वैसा बना देता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं प्रतिष्ठा जी के घर, वहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है। वैसे मुझे पता है मैं एक नंबर का जोकर लगूंगा उन लोग के सामने,
और अब चलिए वहीं पर चलते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं, एकदम मजेदार होगा रिएक्शन वहाँ का। तो आप लोग दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए अब वहीं पर चलते हैं और वहाँ का बेहतरीन रिएक्शन आपको दिखाते हैं। अजीब आदमी मिल गया, नया कटवा मिल गया हमको। इतना बड़ा हादसा हो जाता है जब मैं उससे बोले कह रहे बहुत फर्स्ट क्लास बना है, हम कह रहे कैसे लगाया, हम देखे तो स्वादा हो गया ऐसे था पहले ऐसे दिख रहा था वहाँ पर एक बैठा था उससे बोले देखो कैसा बना, सही बना है, आपको लगा कहेगा अरे यार कैसा बना दिए, अरे अरे मस्त बना है एकदम, जैसे हुआ वैसे ही सुन नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे बहुत लोग आते हैं, कोई एम बनवाता है कोई एन बनाता है, तो हम कहे यम यन जो कहे वो बनाओ, जो जोकर कहे उसको बनाओ, जो नहीं कर उसको जोकर बनाओ। दोस्तों भोजन भी बन रहा है, हम लोग भी भोजन करके जाएंगे, तो आइए चलते हैं किचन में देखते हैं क्या बन रहा है। बहन क्या बना रही हो? आलू मट्ठा रोटी और बैंगन टमाटर का चोखा। हाँ आलू मट्ठा रोटी तो ठीक है, बैंगन टमाटर किसके लिए? स्पेशल डिश है मम्मी और उनके लिए, वो गरीब लोग। हाय फ्रेंड्स, कहाँ से गरीब, 50 रुपए का टमाटर, गरीब कहाँ अमीर लोग। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आश्वी क्या कर रही है। ये देखिए फ्रेंड्स आश्वी अपने वॉकर में है, इसका वॉकर भी हम लोग लेके आए थे ताकि इसको इसमें डाल दें और ये किसी को डिस्टर्ब ना करे या इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, मस्ती से अपना खेले। तो ये मैडम अपना वॉकर में घूमते हैं, हेलो करना चालू हो गया। तो दोस्तों अब तो जो होना था वो हो चुका है, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ दिनों में वापिस आ जाएगा, बाल बाल तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, अभी तो एकदम से महा बेकार महा घटिया लग रहा है, अब क्या ही बताएं उसको, अब कुछ कहने के लायक नहीं है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और इस भाई को सपोर्ट करेगा और भाभी को भी सपोर्ट करेगा, और जो कमेंट करना होगा इनके बाल पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग के साथ अगर ऐसा कभी हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। इतनी गर्मी हो रही है, बाय 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 करो बाबू, बाय बाय बाय।